सब्सक्राइब कीजिए एंड्रॉइड डेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूरेश और आप देख रहे हैं एंड्रॉइड डेट यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आप किस प्रकार अपने ओल्ड एंड्रॉइड फ़ोन को एक नए लुक दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक आता है एक शानदार कैमरा। अगर आपका ओल्ड फ़ोन है या ओल्ड एंड्रॉयड फ़ोन है और यह बेसिक फ़ोन है, यानी एंड्रॉयड है लेकिन बेसिक है, लेकिन आप सोचते हैं कि अगर उसमें मैं बहुत ही बढ़िया रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ और यानी बहुत ही अच्छी जो रिकॉर्डिंग है वो हो पाए उससे, तो आपको उसके लिए सबसे पहले एक ऐप का नाम मैं बता देता हूँ, हॉर्मेन ओपन कैमरा। तो ये अगर करते हैं आप इस ऐप को डाउनलोड, तो इसमें ब्राइटनेस एडजस्टमेंट, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन और यानी आपको बिल्कुल HD बिल्कुल फुल HD जो एक DSLR यानी रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी बड़े बड़े जो कैमरे आते हैं उस प्रकार रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि वो रहता है एक ओपन कैमरा जो कि आपके मोबाइल के सेटिंग्स को चेंज करके एक बिल्कुल नया ओपन वे बना देता है और उससे वो रिकॉर्डिंग शुरू करता है। तो दूसरी बात आती है एक कस्टमाइजेबल कीबोर्ड। अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र और आपको बार बार पड़ती टाइपिंग की ज़रूरत, और अगर आप चाहते हैं कि एक मुझे बिल्कुल रिस्पॉन्सिव कीबोर्ड चाहिए, यानी आप जैसे आप किसी भी बटन को क्लिक कर दें, यानी के को क्लिक करा तो एकदम रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, आप अगर चाहते हैं कि उस तरह का रिस्पॉन्स मिले तो आप गूगल का G कीबोर्ड जो है वो डाउनलोड करें, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आप बोबल कीबोर्ड नाम का एक ऐप आता है वो इंस्टॉल करें, उसमें इमोजी, जिप मेकर और स्टिकर्स A to Z और डिज़ाइंस भी, और एकदम रिस्पॉन्सिव यानी 0.02 मान लीजिए आप मेरे हिसाब से, इतना फास्ट रिस्पॉन्सिव ऐप है। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में ये भी डाउनलोड करें और आप उसकी और भी स्पीड फास्ट देख पाएंगे। तो तीसरा जो पॉइंट आता है, एक बेस्ट लॉन्चर। अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन है, आपका एक बेसिक एंड्रॉइड फ़ोन है और आप चाहते हैं कि बहुत ही एक रिस्पॉन्सिव मोबाइल मिल जाए, यानी आपने इसको स्क्रॉल करा तो इस साइड या इस साइड स्क्रॉल करा तो इतना टाइम नहीं लगे और एकदम लुक बहुत ही यानी बहुत ही फीचर्ड फ़ोन लगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में कोई सा भी लॉन्चर डाउनलोड करना होगा। आप चाहते हैं तो कोई सा भी, बहुत सारे इस समय लॉन्चर चल रहे हैं। वैसे अगर आपका 7.0 से अगर छोटा है तो आप टेस्ला जो है कंपनी उसका जो एक नोगट लॉन्चर वो डाउनलोड कर लीजिए, उससे बड़े कोई सा लॉन्चर आपके मोबाइल के लिए नहीं है। अगर आपने वो डाउनलोड कर लिया तो यानी आप समझिए कि उससे बढ़िया कोई सा भी और लॉन्चर नहीं है। अगर आपका 7.0 से ऊपर वाला मोबाइल है तो आप गूगल नाउ, LI और बहुत सारे लॉन्चर डाउनलोड कर लें, ताकि उससे आपके जो मोबाइल की एक लुक है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाए और एक वो बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्सिव मोबाइल बन जाए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर आपको ईमेल के लिए बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो आप मल्टीपल अकाउंट चलाते होंगे यानी जीमेल में, तो आप ईमेल या जीमेल जो भी चलाते हैं तो आपको फास्ट सर्विस चाहिए, यानी इधर से आपने क्लिक किया मेल उधर रिस्पॉन्सिव, यानी जैसे कि जीमेल में या ईमेल में ऐसा होता है 20 MB की अपन कोई सी भी फाइल सेंड करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है, कई बार तो वो फाइलें जाती नहीं है, बार बार उसे रिसेंड करना पड़ता है, तो आप उससे भी बहुत ही फास्ट जो इंजन है जैसे कि याहू, हॉटमेल, आउटलुक और एक्सचेंज और आदि ऐप का यूज़ कर सकते हैं। ये जो ऐप रहती है ये लाइट होती है और बहुत ही फास्ट होती है, और इनमें एडवर्टाइजमेंट भी नहीं रहता, और इनका जो प्रो वर्जन रहता है वो भी एकदम फ्री रहता है, तो इसे आप चला सकते हैं। अब बात आती है हल्का सोशल मीडिया, इसको मैं अलग भाषा में कहता हूँ लाइट सोशल मीडिया, यानी आप सोशल मीडिया से तो जुड़े होंगे और आप चलाते होंगे फेसबुक, और आपको फेसबुक की ऐप में यानी डाउनलोड करते से ही आपके 2 या 3 दिन बाद वो 150-200 MB की इंटरनल स्टोरेज में बढ़ जाती है, तो आपको उसी का सुझाव करके मैंने एक फेसबुक लाइट नाम की एक ऐप सर्च की थी। तो फेसबुक लाइट में आप उसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट, फ्रेंड सर्च, चैट मैसेजेस और बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ये बहुत ही लाइट है और इसमें आपका पूरा काम हो रहा है, यानी जहाँ 50-60 MB अपने स्टोरेज ख़राब कर रहे थे वही आपका शायद 15 या 20 MB में हो रहा है, तो बढ़िया बात है। और इसे आपको पता होगा कि ट्विटर का जो लाइट वर्जन है वो इस समय बाज़ार में नहीं है, तो इसी में एक वेब सर्च का ऑप्शन आता है, उसमें सर्च करिए www.twitter.india.com और वहाँ से आप ट्विटर चलाइए या गूगल की और भी कुछ सर्च करिए, यानी आपका सिर्फ 20 MB में पूरा काम हो रहा है, और क्या चाहेंगे आप इस छोटी सी ऐप से।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो मेरी वीडियो में कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।